हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की मेरी रेसिपी है टोफू के पकौड़े, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में उतने ही आसान हैं। इनको बनाने के लिए मैंने बेसन ले रखा है, ऑयल ले रखा है, अजवाइन है, टोफू है, हरी धनिया है, राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा है, चाट मसाला, नमक, लेमन जूस, ग्रीन चिली और अदरक और पानी। टोफू को मैं मीडियम पीसेस में काट रही हूँ। इसको ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ और ना ही छोटा। ये एकदम परफेक्ट पीस होते हैं। इसके मैं साइज़ अभी आपको दिखा दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसके पीसेस को देखिए, इतना साइज़ होना चाहिए इन पीसेस का। इससे ये बहुत ही आसानी से कुक हो जाते हैं। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स, जितने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको एक एक करके इसमें मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए, मैंने राइस फ्लावर जो ले रखा है इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ले रखा है, ये अप्रॉक्स 3 स्पून के अप्रॉक्स मैंने ले रखा है। अजवाइन आप इसमें और शीट्स भी डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ अजवाइन का ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं जिंजर को ग्रेट कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ, जिसमें आप बहुत ज़्यादा आप स्पाइसेस का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। ये मैंने ग्रीन चिली को बिल्कुल बारीक चॉप कर रखा है, क्योंकि ये बारीक चॉप में ही अच्छी लगती हैं। और मैंने रेड चिली बिल्कुल भी नहीं डाल रखी है। आपको डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। और मैंने कोरिएंडर भी बिल्कुल बारीक इसमें चॉप कर रखा है, क्योंकि पकौड़ी में, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये लेमन जूस मैंने ले रखा है, ये अप्रॉक्स से एक बड़ा लेमन है, उतना मैंने इसमें लेमन जूस उसका ले रखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स करते हुए इसका एक थिक बैटर बनाऊँगी। अभी मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँगी कि कितना आपको थिक बैटर बनाना है, ताकि हमारी जो पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे से हर तरफ से कोट हो जाएं। क्योंकि अगर हमारा बैटर गाढ़ा नहीं रहेगा तो हमारे जो टोफू हैं वो प्रॉपर वे में सब तरफ से मसाले से कोटेड नहीं रहेंगे। इसलिए इसका बैटर जो बनता है वो मेन है, जिसमें हम स्पाइसेस हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी सबसे मेन है। ये देखिए, हमको इतना ही बैटर को बनाना है, और इतना बनाने में मुझे अप्रॉक्स आधे गिलास से भी कम मुझे पानी लगा है इतना बनाने में। ये देखिए, ये बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं इसको भी आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए, जैसे कि हमारा केक का बैटर बन, उतना ही हमारा बैटर को होना चाहिए। अब मैं ये फ्लेम मीडियम फ्लेम में मैंने ऑयल गरम कर लिया था। मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर रखा है, आप जो चाहें वो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक एक करके सारे टोफूज़ को डाल रही हूँ और इसको सिर्फ कुक करूँगी। मैं ज़्यादा इसको अभी गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी। कुक करते हुए हम इसको सबको एक साथ निकाल लेंगे एक प्लेट में। इनको जस्ट पलटते हुए आपको कुक करना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। और देखिए, अभी मेरा कलर भी इसका गोल्डन नहीं हुआ है और मैंने इनको निकाल दी है फ्लेम से। और इस तरह से मैं सारे के सारे जितने भी मेरे टोफू हैं
उनकी सबकी पकौड़ीज बना लूंगी। और फ्लेम हमको ध्यान देनी है कि फ्लेम को हमको हाई बिल्कुल नहीं करना है, आप लो टू मीडियम ही फ्लेम रखिएगा ताकि हमारा अच्छे से टोफू अंदर से कुक भी हो जाए और बाहर से इसकी लेयर जो है वो ज़्यादा कुक ना हो। इसलिए हम लो टू मीडियम ही इसकी फ्लेम को रखेंगे। अब हम देखिए सारे हमारे टोफू कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऑयल में, गर्म ऑयल में वापस से इनको डालूंगी और गोल्डन ब्राउन होने तक का इनको फ्राई करूंगी ताकि सारे के सारे टोफू बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और गरम गरम रहें, क्योंकि पकौड़ियाँ गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं गरम गरम ही इसको सबको सर्व करूँगी। और इससे इसमें एक बेनिफिट और होता है कि इसमें जो हम चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं वो बहुत अच्छे से स्प्रिंकल हो जाता है, अच्छे से सब तरफ से चाट मसाला कोटेड हो जाता है। अच्छे से सारी तरफ से चाट मसाला लगा लीजिए और बस गरम गरम आप इंजॉय करिए। आप उसको ग्रीन चटनी के साथ में या फिर सॉस के साथ में किसी के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं।